धीरे काम कर रहे हैं, इसको जल्दी नीचे पहुंचा दे, मालिक आने वाले हैं। अबे भाई कितना धीरे मशीन चला गया, सारा माल को हटाना है। अबे एक बच्चे को किसने काम पे लगाया था, पुलिस से चालान कटवाओगे क्या तुम मेरा? अबे वो 21 साल का हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ। तो इतना छोटा कैसे रह गया तू? अरे वो मेरी मम्मी ने मुझे कॉम्प्लेन निकला। ठीक है तू काम करते रहे अपना। अबे साले मालिक आने वाला, जल्दी रोल लेके जाओ। कितने काम हो गया? मालिक थोड़ा सा ही रह रहा है बस। सारे तुझसे कितनी बार बोली मालिक आने वाला, जल्दी कर ले। ठीक है समरिया। आकाश कितना काम हो गया? सर बस थोड़ा रह गया। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कल ही, और 7 दिन बाद आऊंगा, वहाँ मैं दूसरी फैक्ट्री देखने जा रहा हूँ। तो तुम अपना हिसाब किताब सही करना, और कोई भी ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है। मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा। आकाश सर सारे बंडल तैयार हो गए, बताओ कहाँ रखूं? अरे क्या काम हम कर रहे हो, देखो मालिक चला गया 7 दिन के लिए छुट्टी पे, काम हम छोड़ा मजे करते हैं, पूरी फैक्ट्री अपनी है। और जाओ सबको बोल दो फैक्ट्री बंद करे, आओ मजे करते हैं। भैया इसमें ना बाल्टेक कर दो और एक नई पैंट दे दो मुझे। अरे आज फैक्ट्री बंद है, कल आना। लेकिन मुझे सचिन भैया ने तो बोला था कि फैक्ट्री खुली है, जाके काम करवा लो। अबे भाई बोला ना फैक्ट्री बंद है, जाओ। तो ठीक है फिर मैं सचिन भैया से बात कर लेता हूँ। हाँ जा बोल दे, मालिक को बहुत गुस्सा है, इतने साल से ऐसी काम थोड़ी ना कर रहे हम। बस साला 7 दिन बीत गया, जितनी मौत करनी थी कर ली, अब जल्दी से काम कर लो। अबे ओ भैया सेटिंग से बाद में बात कर लो, मशीन चला ले थोड़ी सी। आकाश सभी लेबरों को लेके ऑफिस में आओ। ओके मालिक। चलो भाई मालिक ने बुलाया, सारे आ जाओ। हाँ तो मालिक सारे लेबर आ चुके हैं। अरे मालिक आप बड़े परेशान दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं ये कंपनी बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी से सिर्फ मुझे लॉस हुआ है, मेरी बाकी कंपनियां सारी प्रॉफिट में चल रही है सिवाय इसको। तो मैं ये चाहता हूँ कल से आप अपनी नई जॉब ढूंढ ले। तो मालिक ये क्या कर रहे हो आप? मालिक हम कहाँ जाएंगे? मालिक हम भूखे मर जाएंगे। मालिक मैं तो घर लिया है, घर की किस्त। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब मैं तुम्हारे भरोसे अपनी फैक्ट्री देखा जाता था। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मालिक का मुनाफा होता है उसमें वर्करों का भी मुनाफा होता है, और अगर मालिक का नुकसान होता है उसमें वर्करों का भी नुकसान होता है। इसलिए मेरे दोस्तों कोई भी काम करो तो उसे अपना समझ के काम करो, ये मत सोचो कि वो काम मालिक का हो रहा है। माफ कर दो मालिक, अब से हम सारा काम ईमानदारी से करेंगे।